मेरी सभी सहेलियों को जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? तो जय श्री राम की गूंज से जो है हमारा पूरा देश रहा है, और आप सभी भी मेरे साथ मिल करके जय श्री राम बोलिए। और इसी के साथ मैं जो आज का वीडियो है, आप लोगों की डिमांड पे अल्फी की साड़ियां जो है मतलब शॉर्ट्स में डाल रही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का मैडम ओपन करके वीडियो पल्लू और ब्लाउज बताइए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जो ये प्लेन साड़ियाँ हैं इनका जो है वीडियो प्रॉपर बना करके दिखाऊं। तो आइए अपन बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पहली साड़ी येलो, और ये येलो का बॉर्डर है, बॉर्डर पार्ट आप देख सकते हैं इस तरीके से है। फर्स्ट साड़ी येलो की, और येलो का मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पल्लू पार्ट। तो ये जो रहा इसका पल्लू पार्ट, ये साड़ी है आपकी येलो की, और ये इसका पल्लू पार्ट, एंड देन ये इसका ब्लाउज पार्ट। ब्लाउज में ऑल ओवर जो है रोज के मोटिव्स बने हुए हैं, रोज और इसकी, और ये वीविंग है, कम्प्लीटली थ्रेड वीविंग है ये, कम्प्लीटली थ्रेड वीविंग है, और काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है ये। और सिंगल लेयर में यदि अपन इस कोसा कसा साड़ी की बात करें तो इस तरह से जो है फैब्रिक काफ़ी लाइट वेट और कंफर्टेबल है। तो इस तरीके से जो है सिंगल लेयर में आप दिखा दो ये जो है डिज़ाइन। तो ये फर्स्ट येलो साड़ी, तो आप लोगों ने इसका जो है ब्लाउज सीख लिया, और ये इसका पल्लू पार्ट। ये सेकेंड येलो साड़ी, ये इस तरीके से जो है इसका बॉर्डर पार्ट है, जूम करके बता दीजिए। इस पर कैरी डिज़ाइनें बनी हुई हैं, कैरी डिज़ाइनें बनी हुई हैं, एक छोटा सा बॉर्डर पहले है, और इस तरह से फ्लोरल मोटिव्स बने हुए हैं, और जो साड़ी का फैब्रिक है वो काफ़ी सॉफ्ट और लाइट वेट है, और ये जो है इसका पल्लू पार्ट है। पल्लू पार्ट में इस तरीके से फर्स्ट पल्लू पार्ट यहाँ से स्टार्ट होके इस तरीके से ये पल्लू पार्ट है। ये पूरा पल्लू का लुक देख लीजिए, और ये जो है इसका ब्लाउज डिज़ाइन पूरा का पूरा। तो साड़ी का अगर डिज़ाइन इस तरीके से देखना चाहे तो ये कुछ इस तरीके से साड़ी का ऑल ओवर साड़ी का डिज़ाइन है। ये तीन शेड्स हैं ऑरेंज के, ये गाजरी शेड है, और ये ऑरेंज के शेड्स हैं, बट ब्राइट नहीं है बहुत ज़्यादा। तो भगवा जो है अभी चला हुआ है, तो पहली भगवा साड़ी में दिखाती हूँ। ये पल्लू पार्ट है, ये पूरा पल्लू का डिज़ाइन देखिए इस तरीके से जो है फ्लावर्स, और ये पल्लू का पार्ट है। ये इसका ब्लाउज डिज़ाइन पूरा फ्लोरल डिज़ाइन है, और साड़ी के लुक की बात करें तो ये जो है पूरा साड़ी का लुक है, और सिंगल लेयर में फैब्रिक की बात करें तो इस तरह से जो है फैब्रिक काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी प्यारा फैब्रिक है। तो प्लीज़ आप लोग जिन लोगों ने भी ये साड़ी ली हुई है, ये प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल पे आके रिव्यू कीजिएगा कि ये साड़ी कैसी है, ताकि औरों को भी जो है अच्छा लगे। ये पल्लू जो है यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से ये पल्लू पार्ट है पूरा कंप्लीटली, ये पल्लू पार्ट है। और इसके ब्लाउज की बात करें तो इस तरीके से इसका ब्लाउज का डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारी साड़ी है, और जो साड़ी के बॉडी का पार्ट है वो इस तरीके से आया है पूरा, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। और सिंगल लेयर में साड़ी का बात करें तो ये काफ़ी कंफर्टेबल फैब्रिक है साड़ी का। आज का ये जो मेरा वीडियो है, ये आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि आज आपको के लिए इस वीडियो में एक सरप्राइज़ है।
तो वीडियो देखेंगे तो आपको सरप्राइज मिलेगा और बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। ये पल्लू है इसमें, इस तरीके से बॉर्डर आके इस तरीके से जो है पल्लू दिया हुआ है। और ये ब्लाउज पार्ट है, बहुत ही खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है, बहुत प्यारा डिज़ाइनिंग है जो है अल्फी की। ये साड़ी थोड़ा गाजरी सा कलर है, ये बहुत प्यारा। ये तो नेक्स्ट सेम कलर, 100% सेम कलर में डिफरेंट डिजाइन है। साड़ी का फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है, सेम फैब्रिक है। तो पहले हम इस साड़ी से स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर की डिज़ाइन आप लोग देख लीजिए अच्छे से, और पल्लू का जो स्टार्ट है वो इस तरीके से पल्लू का स्टार्ट हो रहा है पार्ट। और ये जो है पल्लू, बहुत ही खूबसूरत सा पल्लू का डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका पल्लू का डिज़ाइन है। और ब्लाउज़ की बात करें तो इस तरह से ब्लाउज़ भी काफ़ी सुंदर ब्लाउज़ का डिज़ाइन है। और ये वीविंग पे है, प्रिंट नहीं है, ये सारा वीविंग पे है। साड़ी का सिंगल लेयर फैब्रिक की बात करें तो काफ़ी हल्का, लाइट वेट और कंफर्टेबल है। और ओवरऑल साड़ी का जो ओपन पार्ट है वो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जो ये साड़ी है, इस तरीके से पल्लू का स्टार्ट है। साड़ी का बॉर्डर दिखा दीजिए अच्छे से, है ना। ये जो है पल्लू का कंटिन्यूएशन, तो बहुत ही खूबसूरत पल्लू है। पल्लू में पूरा कैरी का डिज़ाइन बना हुआ है, छोटी कैरी बड़ी कैरी, है ना। और इस तरह से इसका जो है वो वन पे ब्लाउज है विदाउट एनी बॉर्डर्स। और जो साड़ी का ओवरऑल लुक की बात करें तो इस तरीके से साड़ी बहुत ही प्यारी सी। तो नेक्स्ट ये दो पिंक के शेड हैं, ये थोड़ा पर्पल साइड पे पिंक है और ये रानी पिंक है, मतलब बेबी पिंक से थोड़ा डार्क है, प्रॉपर डार्क पिंक। तो इसके पल्लू की का जो पार्ट है ये इस तरीके से है। तो राम जी की कहानी और इसको देख के पता चलता है कि हमारे भगवान भी मतलब ज़िंदगी में कितना संघर्ष है। और अगर लाइफ में संघर्ष नहीं है तो लगता है कि लाइफ नहीं है। ये ब्लाउज पार्ट बहुत संघर्षों के बाद आज का ये शुभ दिन आया है। क्या है, क्या हुआ? तो पता नहीं मैं क्या बात कर रही थी, संघर्ष की बात कर रही थी कि जिंदगी में संघर्ष कितना है। हमारे ईश्वर, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है, मतलब हमारे रामायण से हमें सीख लेनी चाहिए कहते हैं, और वो आज तक हमें सीख ही दे रहे हैं कि ज़िंदगी में जब तक संघर्ष नहीं, जहाँ संघर्ष ख़त्म तो वहाँ ज़िंदगी ख़त्म। तो 14 वर्षों का वनवास और उसके बाद जो भी राज्य हुआ और राम राज्य की बातें होती, उसके बाद आज 500 सालों से भी ज़्यादा वो अपने घर से बाहर एक छोटी सी जगह में रहे, और आज 500 सालों के बाद वो वापस अपने घर में पहुंच रहे हैं। तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संघर्ष जो है हमें बताते हैं कि लाइफ में जो है संघर्ष चलता रहता है लेकिन ज़िंदगी नहीं रुकती है, और इसी का नाम ज़िंदगी है बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हाँ हमारे भगवान हमें सिखाते हैं। तो मैंने कहा था कि आज आप मेरा वीडियो पूरा डिटेल में देखिए तो आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा। तो सरप्राइज तो रहेगा, तो आप देख ही रहे होंगे आई होप मेरा वीडियो। तो सरप्राइज ये है कि ये जो 3650 की साड़ियाँ हैं ये आपको 3650 में ही मिलेंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, मतलब मेरा भी अभी पूरा संघर्ष चल रहा है और मुझे आप लोगों के बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मेरे लिए ये जो डिस्काउंट मैं दे रही हूँ आप लोगों को, आज के राम जी के स्थापना के
इस पे 3150 पे प्लस शिपिंग ये मैं आपको साड़ी दूंगी। प्लस उसके लिए कंडीशन ये है कि आप जो है मेरा वीडियो शेयर करेंगे अपने स्टेटस पे, अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हैं, अपने दोस्तों के पर्सनल नंबर्स पे, जैसे जो लोग मतलब मीडिया सोशल मीडिया वगैरह पे मेरी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे कस्टमर्स हैं जो गवर्नमेंट हायर पोस्ट पे हैं, तो वो लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और प्लीज़ मुझे दिखाइएगा कि हमने शेयर किया है। तो मैं आप लोगों को ये साड़ियाँ जो है 3150 पे देने वाली हूँ और इसलिए आप बड़ी जल्दी जल्दी बहुत सारी साड़ियाँ बुक कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ऑफ़र केवल और केवल जनवरी में ही तक ही वैलिड रहेगा। इस जनवरी राम जी की स्थापना 2024, तो आज से ये जनवरी एंड तक ये जो ऑफ़र है वैलिड रहेगा। तो मेरे संघर्ष के साथी बनिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, बहुत सपोर्ट किया है आप लोगों ने और आगे भी आप लोगों से बहुत सारा सपोर्ट चाहिए मुझे। और पल्लू का काम देखिए बहुत ही सुंदर, अलग अलग कलर में अलग अलग तरीके से उभर के आ रहा है। और ये ब्लाउज इसका काफ़ी सिंपल सोबर और क्लासी लगने वाली है, ऑफिस में आप पहन के जाइए भाई, मतलब ऑफिशियल है ये साड़ियाँ। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो है ना पूरे जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं कोसा साड़ियाँ ही पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि दिन भर उनको ड्यूटी पे रहना रहता है, भाग दौड़ करनी रहती है, तो वो कोसा साड़ी जो है इजीली कैरी कर पाते हैं। और ड्राई वॉश है ये, ऑफकोर्स ड्राई वॉश है, लेकिन कुछ कलर्स आप हैंड वॉश कर सकते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, कई लोग हैंड वॉश कर लेते हैं। ये भी बहुत प्यारा सा ब्लूइश ग्रे कलर, दोनों सेम कलर है, बस डिज़ाइनों का डिफरेंस है, दोनों की डिज़ाइने डिफरेंट है, सेम कलर है। सो ये पल्लू तो लताश्री में पहली बार मतलब इतना बड़ा ऑफर मैंने दिया है डिस्काउंट का, तो देखती हूँ। इस तरह से इसका जो है ब्लाउज है और ये साड़ी का ओवरऑल जो है पार्ट, नेक्स्ट ये और ये रहा इसका पल्लू पार्ट, बहुत ही प्यारा सा इसका ब्लाउज का काम, बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज का काम। इस तरह से साड़ी का ओवरऑल जो है इस तरीके से। ये नेचुरल ओरिजिनल ऑथेंटिक बिना डाई किया हुआ कोसा है, ये कलर देखिए आप। मैक्सिमम मेरे जो कस्टमर्स हैं ये साड़ी को इसी तरह पहनना पसंद करते हैं, ब्यूटीफुल कलर, बहुत ही प्यारा इसका बॉर्डर डिजाइन, ये अनडाइड नेचुरल कलर है ये। एक मिनट, ये देखिए, ये जो है नेचुरल कोसा कलर, नेचुरल कोसा का जो है धागा है ये। और मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो साड़ी इसी कलर में नेचुरल ही वो पहनना पसंद करते हैं, और इसमें हमेशा साड़ियों में स्टॉक रहेगा, ओनली बॉर्डर डिज़ाइन जो है चेंज होते हैं, बॉर्डर डिज़ाइन जब जो रेडी रहता है वो आप लोगों को मिलेगा, तो उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। कोशिश करेंगे कि आपके पसंद के डिज़ाइंस मिल जाए, बट बॉर्डर डिज़ाइन जो अवेलेबल रहेगा वही मिलता है। तो ये नेचुरल कलर में जो है हमारे पास साड़ियाँ रेडी रहती हैं, और आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम जो है कलर रेडी करके भी देते हैं। तो जो कलर मैं दिखा रही हूँ इसके अलावा भी, देखिए बहुत ही प्यारा ब्लाउज का काम है, इसके अलावा भी यदि आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मैम हमें दूसरा कलर चाहिए, बॉटल ग्रीन चाहिए, वाइन चाहिए, तो वो कलर में हम साड़ी रेडी करके देंगे। बट एक्चुअली जो शेड आप भेजते हैं वो इस सिल्क में
100% वो नहीं आ पाता है बिकॉज इस जो कोसे की एक नेचुरल जो येलो क्रीमिश कलर है उसके कारण वो जो कलर है थोड़ा 19 या 20 आता है, तो वो जो है नहीं है। तो 100% प्योर सिल्क साड़ीज का यही बहुत प्यारा सा लुक है। अब ये देखिए बहुत ही प्यारा सा चंदन कलर, बहुत ही खूबसूरत। ये सब जो है काफ़ी ऑफिशियल लगती हैं टेस्ट पे, बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो यहाँ पे तो हर दिन कोसा पहनने वाले हैं, इन साड़ियों को अलग अलग बॉर्डर्स और अलग अलग कलर्स में पहनते हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। तो आप भी जो है इनको कैरी कर सकते हैं, बहुत प्यारी साड़ियाँ हैं ये और काफ़ी मजबूत भी साड़ियाँ होती हैं, काफ़ी चलती हैं। क्योंकि मेरी शादी के समय की कोसा साड़ी, मेरी शादी को आज 23 ईयर्स हो चुके हैं। तो उस समय में जो कोसा साड़ी ली थी वो साड़ी अभी भी मेरे पास एज इट इज है। वो बस पिन वगैरह जो मैं लगाती हूँ उसके कारण उसमें छेद हो गए हैं कुछ, अदरवाइज मेरी जो साड़ी है वो इंटैक्ट है। बस ये है कि उस समय जो ये फैब्रिक रहता था ये थोड़ा और ज़्यादा थिक आता था। उस समय में जो है ये साड़ी 500 ग्राम की करीब की रहती थी और अभी ये साड़ी 450-450 ग्राम के करीब की हो जाती है। तो ये इसका जो है ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है और ये जो है साड़ी का पल्लू और ये बॉर्डर का पार्ट। नेक्स्ट जो है येलो शेड, इस तरह से इसका बॉर्डर का डिज़ाइन है। तो देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत कलर्स हैं, कितने प्यारे प्यारे पल्लू हैं। शादी के हल्दी फंक्शन में आप इसको पहनिए। साड़ी सिंपल रखिए, डेकोरेशन मतलब मेकअप हैवी कर लीजिए। ये पल्लू पार्ट है बहुत ही खूबसूरत और इसके साथ ये देखिए ब्लाउज, कितना खूबसूरत ब्लाउज है, बहुत ही प्यारा ब्लाउज है, बहुत सुंदर। तो ये जो है गेंदा फूल जो होता है ना येलो वाला जो अपन बार वगैरह सजाने में यूज करते हैं, तो उस वाले फ्रेश गेंदा कलर के ये साड़ी है जो येलोइश। अब ये जो कलर है ये ऑरेंज का ही शेड है, थोड़ा पीचिश साइड में। इस तरह से इसका पल्लू पार्ट है, बहुत ही सुंदर सा। और ये जो है इसका ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा सा इसका ब्लाउज का डिज़ाइन है। साड़ी प्लेन में इस तरीके से, ये इसका बॉर्डर। तो नेक्स्ट ये देखिए कलर्स, ये दोनों कलर सेम है बट ये जो दोनों के बॉर्डर्स हैं वो डिफरेंट हैं और पल्लू डिज़ाइन डिफरेंट है। और ये दोनों कलर डिफरेंट है बट सेम डिज़ाइन है। तो मैं एक ये साड़ी ओपन करती हूँ और एक ये साड़ी ओपन करती हूँ। ये कलर यदि चाहिए होगा तो स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। तो ये साड़ी मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ये साड़ी ओपन करके दिखा रही। जो साड़ी हटाया उसका डिज़ाइन, ये पल्लू, ये जो है साड़ी का पल्लू डिज़ाइन है। अभी काफ़ी सारा आ चुका है डिज़ाइन और ये जो है ब्लाउज का डिज़ाइन है। तो इसी तरह से सेम जो है उस साड़ी में भी रहेगा। अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो है साड़ी का पूरा रनिंग में है ना। ये जो साड़ियाँ हैं ये बार बार खुलने और इससे जो है काफ़ी ख़राब होती हैं, इसलिए जो है हम बार बार इसका वो नहीं बना पाते हैं, दिक्कत यही है। अभी नेक्स्ट ये जो पल्लू स्टार्ट हो रहा है, बॉर्डर डिज़ाइन आपने दिखा दिया। तो नेक्स्ट ये पल्लू, वाओ ये पल्लू बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें कैरी भी आई है, ज्योमेट्रिक पैटर्न भी आया है, फ्लावर्स आए हुए हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स आए हैं, पूरा बुके स्टाइल में आया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसका पल्लू पार्ट और इसका ब्लाउज भी बहुत सुंदर है।
मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सबका अपना अपना टेस्ट है और सभी साड़ियाँ एक से बढ़कर एक हैं, पर मुझे ये जो है ना बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो इस तरह से जो है साड़ी का पूरा लुक है, इस कलर में उभर के आ रही है साड़ी। नेक्स्ट, काफ़ी लाइट सा पिंक है, काफ़ी लाइट सा पिंक है, फ्लोरोसेंट सा कलर है, थोड़ा सा डार्क नहीं है, लाइट है, और उससे ये लाइट शेड के जो बॉर्डर्स हैं काफ़ी अलग सा लुक है। तो कॉम्प्लेक्शन आपका जो है उसके हिसाब से आपको काफ़ी सूट करेगा। सेम जो उस पर जो बॉर्डर और पल्लू देखा आपने इसके पहले वाली साड़ी, सेम वही बॉर्डर और पल्लू साड़ी का पूरा लुक इस तरीके से है। और सॉरी, ब्लाउज मैंने आपको बताया नहीं, ब्लाउज ये फ्लोरल पैटर्न पे ब्लाउज आ रहा है, जो है इसका। नेक्स्ट, सेम कलर एंड डिफरेंट बॉर्डर, तो सेम कलर पे डिफरेंट बॉर्डर, यहाँ से पल्लू स्टार्ट हो रहा है और इस तरीके से पल्लू में ऊपर और नीचे बॉर्डर्स आए हुए हैं। और ये जो है इसका ब्लाउज, बहुत ही खूबसूरत जो है ये साड़ी लगने वाली पहन के, बिल्कुल कोसा में डिफरेंट कलर है ये, बहुत प्यारा सा। और इसके अलावा यदि आपको कोई कलर चाहिए तो वो भी हम रेडी करके दे दूँगी। तो कॉपर सल्फेट ब्लूज मेरे फेवरेट कलर्स, तो कॉपर सल्फेट ब्लू है और ये जो है थोड़ा सा रामा ग्रीन कलर है। अच्छा, इनकी लेंथ की बात तो मैंने की ही नहीं, इनका लेंथ मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आप इधर कैमरा इन्हें लेके आइए। यहाँ से हमने पहना तो ये साड़ी की इतनी लेंथ आ रही है, तो आई थिंक ये कोई भी हाइट वाले लोगों को सफिशियंट है। और ब्लाउज जो है करीब करीब 90 सेंटीमीटर तो रहता ही है, और आराम से, मतलब मेरे लिए भी आराम से ब्लाउज इसका बना हुआ है, मैंने बनाया है, तो मैं बहुत हेल्दी हूँ, तो ये किसी को भी आएगा, इजीली आएगा ये इसका पल्लू पार्ट, बहुत ही प्यारा पल्लू पार्ट। और ये इसका ब्लाउज, बहुत सुंदर। सो इस तरीके से ये पहली साड़ी हो गई आपकी, और ये 100% प्योर कोसा है, ये लताश्री की गारंटी है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की ये जो साड़ियाँ आप कहीं से भी लीजिए, बहुत प्यारा है। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा डाई वगैरह के समय में इस तरह से थोड़ा सा होता है, बट इससे साड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो दिस इज नॉट डैमेज। सो अगर इस चीज़ को अगर आप माइंड करेंगे, ये साड़ियाँ काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी जो है ये इसका जो है ब्लाउज पार्ट है, सॉरी पल्लू पार्ट है, और ये इसका ब्लाउज पार्ट है। तो इसकी मजबूती की अगर बात की जाए तो ये जो साड़ियाँ हैं ये इतनी थिन है, ये काफ़ी थिन है, बट अगर इसको देखा जाए इस तरीके से, मैं इसको एंड देन ये देखिए कुछ भी नहीं हुआ है इस पर, इतने फुल प्रेशर के साथ मैं इसको खींच रही हूँ, और इधर से भी मैं इसको खींच रही हूँ, इधर से भी, तो ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, हमारा जो कोसा तसर है ना ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। सो और ये प्योर है तो देखिए इस पर जो है श्रिंकेज इतनी जल्दी आता है, इस तरीके से ये श्रिंक होता है, ये जो देखिए ये इस तरीके से श्रिंक होता है, ये जो है हमारे कोसा की निशानी है। सो ये जो भी, मतलब कि दीदी इसमें थोड़ा खींचा सा दिख रहा है, तो ये क्योंकि ये पॉलिश वॉलिश होता है तो उस समय में ये ऐसा लगता है, बट हमारी जो कोसा की साड़ियाँ बहुत मजबूत हैं, रफ टफ हैं, तभी तो मेरी शादी की साड़ी, मेरी सासू माँ की साड़ियाँ भी मैं बहुत शौक से पहन लेती हूँ। ये भी बड़ा प्यारा सा कलर मुझे आपको दिखाया मैंने, अभी नेक्स्ट ये डिज़ाइन देखिए कॉपर सल्फेट ब्लू पे, ये पल्लू यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा फेवरेट पल्लू, फिर आ गया है, तो सारे ही कलर बहुत सुंदर हैं। और ये जो है इसका ब्लाउज, बहुत प्यारा सा ब्लाउज इसका, फाइनल छूट इसको, हाँ
ये जो है अपनी फाइनली ड्रामा ग्रीन कलर की साड़ी और ये इसका पल्लू पार्ट और ये इसका ब्लाउज पार्ट। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके अपने पे रख के बताना चाहूँगी। इस तरीके से काफी सोबर लुक पे ये साड़ी आ रही है। तो इसी के साथ मेरी वीडियो को तो कैसा लगा आपको आज का ये मेरा सारा कलेक्शन? और अच्छा लगा जल्दी जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स तो मैं पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिसके पास भी कोसा साड़ी नहीं है ना उसको ज़रूर बोलिए कि लता श्री से एक कोसा साड़ी लेने का। तो इसी के साथ जय जय श्री राम, जय सियाराम।